हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो में हम ड्रॉ करने वाले हैं सांता क्लॉज। तो आज का वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है। तो हम आज के वीडियो में आउटलाइन बनाना सीखेंगे ग्रिड मेथड का यूज़ करके। तो मैंने ऑलरेडी रेफरेंस फोटो पे ग्रिड बना ली है, तो आप देख सकते हो। तो वर्टिकल मैंने 6 बॉक्स बनाए हैं 3-3 इंच के, और हॉरिजेंटली मैंने 7 बॉक्स बनाए हैं 3-3 इंच के। आप अपनी मर्जी से ग्रिड बना सकते हो, बट जो रेफरेंस फोटो पे है वही हमें पेपर पे भी बनाना है। जैसे मैंने सेम बना ली है, आप देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आउटलाइन बनाए उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो रेफरेंस फोटो है उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कौन सा पार्ट कौन से बॉक्स में है उसे ध्यान रखना है, उसे हिसाब से हमें आउटलाइन बनाना स्टार्ट करना है। तो मैं हमेशा आउटलाइन का स्टार्टिंग आइस से करता हूँ। तो वो पहले मैं काउंट कर लूँगा कौन से बॉक्स में आइस है, वहाँ से मैं आइस बनाना स्टार्ट कर लूँगा। आपको आपकी मर्जी से कहीं से भी आप आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो फाइनली आउटलाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आउटलाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हो रेफरेंस फोटो ये रहा, और आउटलाइन भी हमारा सेम बन चुका है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को यहाँ पे ही एंड करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में कलर करना सीखेंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।